सो बेटा ये क्वेश्चन 38, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करो। स्पीड यानी यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट की, जिस वेलोसिटी से वो गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द अर्थ। इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर हाइट पे वो अर्थ के राउंड में घूम रहा है। और हमें डाटा क्या दिया है, यम ई यानी मास ऑफ अर्थ। यम यानी मास, ई यानी अर्थ। तो यम ई यानी मास ऑफ अर्थ तो मालूम है आपको, 5.98 × 10⁻²⁴ kg। 5.98 यानी 6। तो अर्थ का मास ये फिक्स है, दिमाग में फिट करो, 6 × 10⁻²⁴ kg। और अर्थ का रेडियस ये वाला भी फिक्स है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, यानी ही 6400 किलोमीटर हमारे अर्थ का रेडियस। यस, तो हमें ये दो बातें दी है और ये हाइट दी है। पहले हम ये जो फिगर है इसको समझेंगे। तो ये हमारी अर्थ, ये हमारे अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का रेडियस आर, अर्थ का मास ये यमी यानी ही यम। और एक सैटेलाइट जो पहले अर्थ सरफेस पे ही तैयार किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, फिर उसको हम लेके गए यच हाइट तक, और यच हाइट तक लेके जाने के बाद इसको गोल घुमाया इस सर्कुलर ऑर्बिट में, ये क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी से, और ये वीसी ही हमें पूछी है। ये यच हमें दी है 1000 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस आपको मालूम है ये वाला दिया है ऑलरेडी, 6.4 × 10⁶ मीटर। ये हाइट या जिसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे आंसर में डाटा गिवन क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर ये हाइट दी है यच 1000 किलोमीटर। तो ये 1000.0 देने से कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। किलो यानी मैंने बताया, किलो यानी 1000 और 1000 यानी 10⁻³। ये मीटर वैसे ही, तो मैं यहाँ मेंशन करके देता हूँ, के का मतलब होता है 1000 और 1000 इसमें एक के ऊपर 3 0 है, तो ये 10⁻³। तो के जब भी आता है तो समझ लेना 10⁻³ किलो। क्या रे बाबू, किलो किलो 10⁻³ किलो 10⁻³। तो अच्छा, यहाँ पे अभी ये पॉइंट को जानबूझ के मैं 3 डिजिट बैक लेता हूँ, तो ये बचा 1। क्या बचा? 1। ये पॉइंट 0, बाकी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 डिजिट पीछे लिया इसलिए 10⁻³, और ये ऑलरेडी 10⁻³ मीटर। 1.0 यानी ही 1, और ये 10⁻³ + 3 = 6 मीटर। ये आ गई हाइट। फिर दिया गया मास, यमी यानी ही यम, उस अर्थ का मास 5.98 × 10⁻²⁴ kg। और फिर अर्थ का रेडियस आर, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। और हमें पूछा है वी सी यानी ये क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी सी इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में आपको बताया है क्रिटिकल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। क्लियर क्या? यस। तो बाबू यहाँ पे रूट वैसे ही जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 2500 बार, मैंने आपको बताई। तो जी की वैल्यू ये यहाँ लिख लेता हूँ, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर।
तो जी की वैल्यू ये फिक्स होती है 6.67 × 10⁻¹1। यम यानी अर्थ का मास ये दिया है 5.98 × 10⁻²। अपॉन आर रेडियस अर्थ का ये 6.4 × 10⁶ प्लस ये एच दिया है 1 × 10⁶ इक्वल टू रूट। अब यहाँ पे दो प्रकार के नंबर्स है, एक तो साधे नंबर्स है जैसे कि 6.7, 5.7, ये 6.4, और दूसरे पावर वाले 10⁻¹1, 10⁻², 10⁻⁶। तो बराबर अभी ध्यान दो कि कैसे हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम जो कि आपको देखो ये कैलकुलेशन बड़ा लग रहा है लेकिन कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो पहले साधे नंबर को लिख लो 6.67 × 5.98 × 10⁻², 10⁻², 10⁻²-11 पावर की प्लस होती है तो ये 24 और ये ऑलरेडी −11, 24 − 11 कितने बचे 13, 13 × 10⁻³ अपॉन यहाँ देखो धीस प्लस धीस धीस नंबर प्लस धीस नंबर, तो इस और इस नंबर से कॉमन क्या आता है 10⁻⁶। तो बचा क्या ये 6.4 प्लस ये वाला 1 और ये 10⁶। तो इधर अभी मेंशन करता हूँ मैं यहाँ जगह न होने के कारण, तो दिस इज इक्वल टू ये रूट वैसे ही ये 6.67 वैसे ही इंटू ये 5.98 वैसे ही 10⁻³ वैसे ही और ये 10⁻⁶ अप लेके गया तो ये हो गया 10⁻⁶ अपॉन 6.4 + 1 ये होता है 7.4। यस, तो दिस इज इक्वल टू रूट। अब ये साधे नंबर 6.67 5.98 अपॉन 7.4 लिखा और ये पावर 10⁻³⁶, तो 13 में से 6 गए 7 बचे। अब ये रूट वैसे ही और ये जो नंबर है इसका अभी हमें आंसर मिलाना है किससे, लॉग की टेक्निक से। तो यहाँ पे हम साइड वर्क करेंगे यानी वो लॉग का वर्क करेंगे। यस, तो लॉग का जो हमें वर्क करना है तो मुझे यहाँ पे बताओ, तो ये लॉग का वर्क, तो ये लॉग पहला नंबर 6.67 मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्लस, दूसरा नंबर लॉग 5.98। यस, तो पहले इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है पॉइंट के पहले, नंबर ने पूछ रहा हो, नंबर 6 है, नंबर ने डिजिट है कितना 1, डिजिट है कितना 1 और लॉग में से हम माइनस करते 1 तो कितना रह गया 0 रह गया पॉइंट, और फिर ये टू डिजिट नंबर 66 का 7 में लॉग में देखना है लॉग टेबल में, तो मुझे बताओ 8241। इसी प्रकार से ये पॉइंट के पहले एक डिजिट, नंबर ने नंबर 5 है डिजिट बोल रहा हूँ, डिजिट कितना 1 और लॉग में से एक माइनस 0.59 का 8 में बताओ लॉग में 7 7 6 7 6 7। चलो ये मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में प्लस होता है, प्लस करो 1 + 7 8 4 + 6 10, 0 लिया 1 कैरी, 2 + 8 10, 0 लिया 1 कैरी, 8 + 8 16, 1 कैरी और ये 1। हाँ, तो ये न्यूमेरेटर का हमने लॉग निकाल लिया, अब ये डिवाइडेड है इसलिए माइनस,
और ये वाला नंबर इसका लॉग लॉग 7.4 सामने जीरो लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट के पहले कितना डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूँ डिजिट, नंबर 7 है, डिजिट कितना है 1 और लॉग में से एक माइनस क्या हुआ 0.74 का जीरो में 8692 हाँ ये माइनस करना, 8 में से 2 गए 6, 0 में से 9 नहीं जाते 1 कैरी, 10 से 9 गया 1, 0 से 7 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 7 गए 3, 6 से 9 नहीं जाते 1 कैरी, 16 से 9 गए 7, 1 से 1 गया 0। अभी इसका एंटी लॉग जो कि लॉग के नेक्स्ट पेज पे है तो वो बताइए। और एक टेक्निक, पॉइंट के पहले यहाँ जीरो है, मैंने बताया एंटी लॉग देखते वक्त अगर पॉइंट के पहले जीरो है तो उसको परमानेंटली छोड़ देना, अगर कोई दूसरे नंबर है 1 2 3 4 5 6 तो उसको टेम्पररीली छोड़ देना। तो पॉइंट के पहले यहाँ जीरो है उसको परमानेंटली छोड़ देना, तो फिर ये 73 का 1 में मीन डिफरेंस 6 में ये आप एंटी लॉग में देखोगे। तो 73 का 1 में है 5383, क्या है रे बाबू 5383 प्लस मीन डिफरेंस 6 में उसी लाइन में 8, तो ये 3 प्लस 8 11, 1 कैरी ये 935, तो ये इक्वल टू ये नंबर आ गया 5391। ये बिना सोचे पहले डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है। तो ये जो आप देख रहे ये बड़ा नंबर इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 5.391 5.391, और ये ऑलरेडी 10^7। अब आपको मालूम है ये 7 ऑड नंबर है, रूट के बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए इस नंबर को इवन करना पड़ेगा इवन। तो मैं इसको एक से कम कर देता हूँ और यहाँ बैलेंसिंग कर देता हूँ, यहाँ एक बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पॉइंट को मैंने एक डिजिट सामने सरका दिया, मतलब इधर बढ़ा दिया और इधर से कम कर दिया। ये वही बात है कि इस जेब में मेरे 20,000 रुपये है बरोबर, और इस जेब में कुछ भी नहीं है, तो इधर के कुछ पैसे मैंने यहाँ से 10,000 निकाल लिए और इधर रख लिए, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? पहले भी मेरे पास 20,000 रुपये थे और इधर के 10,000 इधर रखने के बाद भी वो 20,000 है। तो इधर का एक नंबर घटा दिया, इधर से एक नंबर बढ़ा दिया, तो अभी ये हो गया रूट 53.91 और ये 10^6। देखो ऑड से इवन में बदल गया, 10^6 रूट में है तो पावर को आधा कर देना तो सॉल्व हो गया। तो 10^6 का रूट 10^3, सर अभी ये बचा है तो इसका क्या करे 53.91 ये रूट में है। मैंने आपको बताया रूट दो प्रकार के हैं लॉग टेबल में, एक है 1 से 10 और दूसरा है 10 से 100। तो आप मुझे बताओ ये नंबर किस में आता है, 1 से 10 में या 10 से 100 में? 10 से 100 में आता है। तो वैल्यू कैसे देखनी है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, 53 का 9 में मीन डिफरेंस 1 में स्क्वेयर रूट 10^100, तो वो वैल्यू कितनी आती है 7.342 और मीन डिफरेंस 1 में 1 ही आती है। तो ये हो गया 343.7, मतलब ये 7.343, ये 10^3 और लेफ्ट हैंड साइड देखो ये VC क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया रे बाबू आंसर। तो लास्ट में आएगा आंसर जो हमें पूछा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड यानी ये क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी यानी वो स्पीड ऑफ सैटेलाइट
इज इतनी 7.343 × 10³ मीटर पर सेकंड आंसर। तो ये देखो बाबू पूरा क्वेश्चन हो गया 4 मार्क का। सॉल्व कैसे किया इसको सम अप करो। सर पहले हमने लिख लिया डाटा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम ही है, ये हाइट एच किलोमीटर में दी थी, मीटर में बदले, मास अर्थ का दिया है, रेडियस अर्थ का दिया है, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी पूछिए। क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला रूट gm अपॉन r प्लस एच हमारे पास है। सर हमने वैल्यू रखी और 3-4 स्टेप के बाद ये लॉक की टेक्निक यूज़ करके बड़े प्रॉब्लम को हमने एकदम आसान छोटा कर दिया और उसका रूट लेके आंसर निकाल लिया। ये हो गया 4 मार्क का क्वेश्चन। बोर्ड ने आपको एक टेंटेटिवली 14 मिनट के आसपास का समय दिया हुआ है ये 4 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आप महज इसको 6 से 7 मिनट में सॉल्व करते हैं, आधा समय बच गया जो कि आप पेपर में एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपना पेपर सही या ढंग का गलती तो नहीं हुई है ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से फुल आउट ऑफ फुल 100 में से 100 मिलाए जाते हैं। बोलो 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 यस। सोनाराजा दुकान इकड़े बघा। सो बेटा ये क्वेश्चन 39, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, अर्थ पे नहीं, मार्स इस प्लेनेट पे, ग्रह पे, मार्स मंगल पिक्चर, मंगल मिशन, मिशन मंगल, जैसा आपका भी मिशन है, मिशन इंजीनियरिंग, मिशन मेडिकल, डॉक्टर MBBS है ना, हाँ वैसा। तो मार्स, मार्स मंगल ये प्लैनेट ग्रह, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। इफ द रेडियस ऑफ मार्स, अगर मार्स का रेडियस 3.4 × 10³ किलोमीटर है, किलोमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, एंड इट्स मास इज 6.4 × 10³ केजी, और उस मंगल का मास इतना, यस, तो हमें जी फाइंड करना है। तो देखो फिगर के द्वारा, ये है वो मार्स मंगल, ये उसका सेंटर, ये उसका रेडियस, ये उसका मास, तो ये है मार्स मंगल, मंगल मार्स मंगल, मंगल मंगल हो, जैसे तुम्हारा भी मंगल मंगल हो, और अच्छे तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, मंगल मंगल हो। तो ये मार्स, तो यहाँ पे सरफेस पे इसके कोई भी बॉडी है, तो यह हमें बॉडी के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है ये जी पूछी है, यस। तो देखो डाटा गिवन, डाटा गिवन, तो हमें यहाँ पे पहली बात दी है रेडियस मार्स का 3.4 × 10³ किलोमीटर, तो 3.4 × 10³ किलो, यानी अभी पिछले प्रॉब्लम में बताया 10³ मीटर, तो 3.4 × 10⁶ मीटर, और उसका मास दिया है मंगल का 6.4 × 10³ केजी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपको पहले ही बताया ये कांस्टेंट वैल्यू
6.7 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें फाइंड करना है जी, और उसके लिए फार्मूला है हमारे पास जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू ये है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। एम की वैल्यू है 6.4 10 टू द पावर 23। और रेडियस ये वाला है, अच्छा आर स्क्वायर है तो ये रेडियस 3.4 10 टू द पावर 6, एक नहीं दो बार लिखना। तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये आर की वैल्यू और स्क्वायर है, इसलिए दो बार इसको 3.4 10 टू द पावर 6। टेक्निक क्लियर क्या? अगर स्क्वायर रहा तो उसको दो बार लिखना। तो यहाँ भी ये ऐसा दिखते हुए बड़ा नंबर दिखता है, लेकिन अपने दिमाग में पहले फिट करना कि बाबू तो चुन्नो मुन्नो, इसमें सादे नंबर्स पहले लिख लेना और पावर वाले बाद में लिख लेना। तो सादे नंबर 6.67 6.4 अपॉन ये 3.4 इंटू 3.4, पहले न्यूमेरेटर के पावर 10 का पावर, ये देखो 23 और ये माइनस 11, 23 माइनस 11 यानी कितना रे 12, और डिनोमिनेटर 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 तो 6 प्लस 6 12, तो ये भी 10 टू द पावर 12। सर ये तो कैंसल हो गए 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 12, हाई है ना रे बाबू? अरे तो बचा क्या सर? यही सादे नंबर ही बचे सर, 6.67 6.4 3.4 3.4 बिल्कुल। और इस वैल्यू को हम किससे फाइंड करते हैं? तो सर लॉग से फाइंड करते हैं, है ना? तो पहले ये न्यूमेरेटर जो है, न्यूमेरेटर इसका लॉग, तो देखो कैसे फाइंड करना। लॉग ये 6.67 ये लिखा, मल्टीप्लिकेशन इसलिए प्लस, लॉग दूसरे नंबर का 6.4, उसके सामने जीरो लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिखा। फिर डिनोमिनेटर तो इसका लॉग इधर लिख लेना, लॉग 3.4, सामने जीरो लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा भी अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्लस, दूसरे नंबर का भी लॉग, वही तो नंबर है 3.4, जीरो वैसे ही, यस सर। तो पहले इसका लॉग फाइंड कर लो, फिर इसका लॉग, और डिवीजन है तो ये जो भी आएगा इसमें से माइनस कर लो। क्लियर क्या? तो पटापट मुझे इसके वैल्यूज आप बताएंगे। तो बाबू रे यहाँ पॉइंट के पहले एक डिजिट है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट के पहले नंबर 6 है, नंबर नहीं डिजिट बोल रहा हूँ। डिजिट कितना है सर? 1। और तो सर 0.66 का 7 में 8241 8241। फिर यहाँ भी पॉइंट के पहले एक डिजिट, पॉइंट के पहले एक डिजिट, लॉक से एक माइनस, तो 0.64 का 0 में 8062 करो प्लस, 1 प्लस 2 3 4 प्लस 6 10 0 लिया 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 8 प्लस 8 16 6 लिया 1 कैरी, ये 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पॉइंट के पहले एक डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 3 है, डिजिट बोल रहा हूँ, 1, लॉग से एक माइनस, 0.34 का 0 में 5315 5315। दूसरा भी वही है तो वही आएगा 0.5315। चलो इसका प्लस, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 1113 लिया, ये 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 5 10 0 लिया 1 कैरी 1, ये डिनोमिनेटर का लॉग, ये वाला न्यूमेरेटर का लॉग। तो न्यूमेरेटर के लॉग में से डिनोमिनेटर के लॉग को माइनस करना है, डिवीजन यानी माइनस, डिवीजन यानी लॉग में माइनस, तो इसको माइनस करो 1.0630। तो 3 से 0 गया 3, 0 से 3 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 3 गए 7, 3 से 7 नहीं जाते 1 कैरी, 13 से 7 गए 6,
सिक्स से वन गया फाइव, वन से वन गया जीरो, और ये जो नंबर आया अभी इसका एंटी लॉग क्या देखना है, इसका एंटी लॉग हमें देखना है। क्लियर क्या बोलो? यस। तो इसका एंटी लॉग जरा मुझे आप बताइए क्या आता है। तो पॉइंट के पहले क्या है बोलो? जीरो है। तो पॉइंट के पहले एंटी लॉग में जीरो है तो उसको परमानेंटली छोड़ देना। फिर 56 का 7 में मीन डिफरेंस 3 में एंटी लॉग देखो, लॉग के सामने का पेज। तो 56 का 7 में कितना है? 3690। तो ये लिखा 3690 प्लस मीन डिफरेंस 3 में उसी लाइन में कितना है? 3 है। तो ये लिखा तो क्या आ गया? 3963। ये नंबर यहाँ लिखा 3693 बिना सोचे पहले डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है इसका ये आंसर हो गया 3.693। और ये लेफ्ट हैंड साइड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट आपको मालूम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। क्या आ गया? तो देयरफॉर लास्ट में आंसर जो आपको पूछा है क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो हम यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज कितना? इतना 3.693 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। क्लियर क्या रे बाबू? सम अप करो हमने कैसे क्या इसको सॉल्व किया। सर हमें मार्स मंगल का रेडियस दिया है, मास दिया है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस पे पूछी है, फार्मूला है हमारे पास जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो डाटा हमारे पास है वो वैल्यू सर हमने रख ली और लॉग टेबल के मदद से ये वैल्यू हमने दो स्टेप में सॉल्व करके आंसर मिला लिया। क्लियर क्या रे बाबू?